हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल का है। टॉपिक का नाम है अप्रायोरी एल्गोरिदम। काफी बार ये सवाल पूछा गया है। डेटा माइनिंग सब्जेक्ट हो, डेटा एनालिटिक्स सब्जेक्ट हो, अप्रायोरी एल्गोरिदम इज अ फोकस। बेसिकली अप्रायोरी एल्गोरिदम दोस्तों हम यूज क्यों करते हैं। सी देखिए, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हो, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हमें एसोसिएशन फाइंड करना होता है कि किस तरीके से ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, कितना स्ट्रांगली एसोसिएटेड है या फिर कितना वीकली एसोसिएटेड है, अगर ये बॉन्ड हमें फाइंड करना है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, किसी दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो हम अप्रायोरी एल्गोरिदम को यूज करते हैं। व्हाट इज द एंड गोल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्रायोरी एल्गोरिदम? टू गेट अ एसोसिएशन रूल, टू जनरेट अ एसोसिएशन रूल। और उस एसोसिएशन रूल के हिसाब से हमें पता चलता है कि भाई ये दो ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो दोस्तों आज मैं इसे एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि बड़े ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे मेन दो टर्म्स दोस्तों जो आपको अप्रायोरी एल्गोरिदम में याद रखने हैं, समझने हैं, वो है सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये बहुत ही दो बेसिक चीजें हैं, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। सी अभी इस एग्जांपल में दोस्तों मैंने मिनिमम सपोर्ट जो लिया है वो 50% लिया है और थ्रेशोल्ड कॉन्फिडेंस जो लिया है वो 70% लिया है। अब ये जो मिनिमम और सपोर्ट जो है ये ऐसे दो पैरामीटर्स है दोस्तों जो कि हमें एसोसिएशन रूल्स की जो कैलकुलेशन है उनमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। सी These are nothing but the transactions. चार transactions हैं, उनकी ID है 100, 200, 300 and 400. And these are the particular items that are being purchased in that respective transaction. मतलब transaction number 100 में 1, 3 और 5 ये तीन items हमने buy की है। अभी इसे मुझे क्या करना है? अभी what I have to do in these items, I have to found the association between them. दो object consider कर रहे हैं, समझ लीजिए item number 1, item number 3, ये 1 और 3 एक दूसरे से किस तरीके से associated है, क्या bond है, ये अभी हम देखेंगे with this example. Okay, so सबसे पहला step दोस्तों जो operary algorithm में हम करते हैं वो है कि ये जितने भी items हैं ये distinct atoms हमें इन एटम सेट मेंशन करने हैं। ये जितने भी atoms हैं उनमें repetitions होंगे लेकिन हमें distinct atoms को एटम सेट में मेंशन करना है। मतलब क्या, दिस इज द एटम सेट दैट वी हैव टू क्रिएट, 1, 2, 3, 4, 5 डिस्टिंक्टली यू हैव टू मेंशन देम। यहां रिपीटेशन हो सकते हैं लेकिन यहां पे डिस्टिंक्टली वो रिप्रेजेंट होने चाहिए और उसी के साइमल्टेनियसली हमें उनके रिस्पेक्टिव सपोर्ट काउंट फाइंड करना। सपोर्ट काउंट मतलब क्या, सी यहां पे कितने हैं, व्हाट इज सपोर्ट, अभी मैं बता रहा हूं। ये चार ट्रांजैक्शंस हैं, इन चार ट्रांजैक्शंस में एटम नंबर 1 की क्या फ्रीक्वेंसी है, इन चार ट्रांजैक्शन में आइटम नंबर 1 कितनी बार अकर हुआ है, दैट इज व्हाट वी हैव टू काउंट। सी 1, 2 आइटम नंबर 1 सिर्फ दो बार आया है, दो बार अकर हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 जो कि उसका अकरेंस है और 4 जो कि उसका जो कि टोटल ट्रांजैक्शंस है टेकन इनटू कंसीडरेशन। सो 2 डिवाइडेड बाय 4 इज 50%। ओके, नाउ इसी तरीके से फॉर 2, फॉर 3, फॉर 4, फॉर 5 वी हैव टू कंप्यूट इट। लेकिन यहां पे गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि यहां पे 25% आ गया है फोर्थ एटम का, फोर्थ एटम पे कितना आ गया 25%, मिनिमम सपोर्ट रिक्वायरमेंट है 50%, यहां पे आ गया 25%। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले वाली जो आने वाली कैलकुलेशंस है उसमें से एटम नंबर 4 को निकाल देंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वो थ्रेशोल्ड या फिर मिनिमम सपोर्ट से नीचे उसका रिजल्ट आया है पहली ही स्टेप में, तो हम उसे निकाल देंगे। अब इसे निकालने के बाद दोस्तों हमारा जो जो बचे कुछ आइटम्स है वो कौन कौन से है, एटम सेट्स हमारे पास में क्या है, 1, 2, 3 और 5, बस ये चारों ही बच गए। अभी इन चारों के बेसिस पे हमें क्या करना है, आगे कैलकुलेशंस करने हैं। अब इन चारों को भी हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4 is getting multiplied by 1, 2, 3, 4. That is what we have to do. We have to form pairs. हमें pairing करनी है। क्या बोला मैंने? ये हमारे item set 1, 2, 3, 4. ये हमारे item set 1, 2, 3, 4. इनको हमें multiply करना है एक दूसरे के साथ। इसका मतलब simple words में हमें अभी हम single के साथ खेल रहे थे। अभी हमें इनके pairs form करने हैं। कैसे pair form करोगे? 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5 and 3, 5 जो कि मैंने यहाँ पे पेयर बना दिए हैं। तो सिंगल से अभी हम डबल में खेलेंगे। क्या होगा यहाँ पे, दीज आर द पेयर्स। अभी इसमें भी हमें सेम फंडा यूज करना है कि 1 और 2 एक साथ कितनी बार अकर हुए हैं चार ट्रांजेक्शन में, 1 और 2, मतलब ये 1 और 2 जो है ये एक साथ कितनी बार अकर हुए हैं ट्रांजेक्शंस में, ये हमें अभी क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी हैव टू फाइंड द सपोर्ट काउंट। जैसे कि 1 और 2 सिर्फ एक बार आया, सी 1 और 2 सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन में आया एक साथ, तो उसकी सपोर्ट काउंट क्या हो गया, नंबर ऑफ अकरेंस डिवाइड बाय टोटल ट्रांजेक्शन, 1 डिवाइड बाय 4, 25%। तो इसी तरीके से आपको हर एक पेयर का निकालना है। अभी इसमें क्या होगा,
ये दो जो ट्रांजेक्शन है, ये दो ट्रांजेक्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, या फिर ये जो दो पेयर है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज मिनिमम सपोर्ट 50% है और हमारा 25% आया है, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे और सिर्फ ये इन चार पेयर्स के साथ आगे कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे। क्या बोला मैंने? इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज उनका 25% से कम है, और इन चारों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे फॉर द फर्दर कैलकुलेशन। अभी इन चारों की कैलकुलेशन में भी दोस्तों देखिए, 1, 2, 3 एंड 5 ये वापस से हमारे पास आ गया। अभी हमें क्या करना है, हम लोग सिंगल से डबल में गए यानी पेयर में, अभी हम पेयर से ट्रिपलेट में खेलेंगे। अभी हम सिंगल से पेयर, पेयर से ट्रिपलेट, अभी हम ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। ट्रिपलेट कैसे फॉर्म करना है, सिंपल सी बात है, 1, 2, 3 एंड 5 इसके पॉसिबल ट्रिपलेट जितने भी है वो फॉर्म कर दीजिए। सो अभी यहाँ पे तीन पॉसिबल ट्रिपलेट्स हैं जिनका एटलीस्ट सपोर्ट वन है। बाकी जो ट्रिपलेट्स हैं उनका सपोर्ट जीरो है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ये तीन मैंने इसीलिए सिर्फ कंसिडर किए क्योंकि इनके एटलीस्ट सपोर्ट वन काउंट तो भी आया है। अगर फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 4 आप बोलोगे, 1, 3, 4 क्यों नहीं इंक्लूड किया, बिकॉज 4 हमारा यहाँ पे पहले से ही एलिमिनेट हो चुका है, सो वी आर नॉट इंक्लूडिंग इनटू फर्दर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे ये जो है इनकी जो सपोर्ट काउंट है वो एटलीस्ट 1 है, इसलिए मैंने ये तीन यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंटली ट्रिपलेट्स फॉर्म किए हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रिपलेट्स में 1, 3, 5 अभी देखना है, 1, 3, 5 एक साथ कितनी बार अकर हुआ है, चार ट्रांजेक्शन में। सो 1, 3, 5 एक ही बार अकर हुआ है, सो 1/4 उसका कितना है, 25%। उसी तरीके से बाकी का कैलकुलेट करना है तो आप देखोगे कि ये दोनों के दोनों जो है ट्रिपलेट्स कैंसल हो जाएंगे बिकॉज इनके दोनों के 25% से मिनिमम सपोर्ट कम है और एक ही सिर्फ आगे बढ़ेगा, दैट इज 2, 3 एंड 5 अभी दोस्तों हमारे पास हमारा फाइनल आइटम सेट आ चुका है जिसके अंदर जो आइटम्स है वो है 2, 3 एंड 5। अभी इस 2, 3, 5 ट्रिपलेट को यूज करके हमें एसोसिएशन रूल बनाने हैं इन पार्ट टू। इस पार्ट वन में हमने यहां तक देखा कि हाउ टू अराइव एट अ कंक्लूडिंग आइटम सेट ऑन बाय यूजिंग दैट कंक्लूडेड आइटम सेट। अभी हम लोग पार्ट टू में देखेंगे किस तरीके से हम आखिर एसोसिएशन रूल्स को जनरेट करते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रिपलेट। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज पार्ट टू देखना भूलिएगा मत, इसी का कंटिन्यूएशन है। एंड प्लीज वो तीन मैजिकल चीजें कर दीजिए जो सिर्फ आप कर सकते हैं। पहली बात तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।